हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल वीजीए जीनियस क्लासेस। आई एम बायसी राठौर और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 3G, क्लास 9th मैथ आरएस। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, फैक्टराइज 27 ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 8 सी क्यू प्लस 18 ए बी। तो हमारी आइडेंटिटी होती है उसकी फॉर्म में पहले से हमें कन्वर्ट करना है। तो 27 हमारा किसका क्यूब है, अगर नहीं मालूम तो फैक्टर कर लीजिएगा। 27 के फैक्टर होते हैं 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, यानी कि 3 का क्यूब होता है। ये तो हो गया 3 का क्यूब और ये ए क्यूब यानी 3 ए का होल क्यूब प्लस, और ये माइनस बी का क्यूब हो गया माइनस बी का होल क्यूब। क्योंकि हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी हमारी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इक्वल होता ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हमारी आइडेंटिटी होती है ना, तो हमें इसको इसी की फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है ना। अब ये हमारा यहाँ पर प्लस बी क्यों ना, तो प्लस माइनस बी का होल क्यूब प्लस 8 किसका क्यूब होता, 2 का क्यूब, तो इसे राइट करेंगे 2C का होल क्यूब माइनस 3 × a कितना है 3a × b × 2c। तो ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी, यानी पहले तो यहाँ पर देखो ए क्या है हमारा, यहाँ पर जो हमारा ए है वो ये 3a और बी है माइनस बी और सी है 2c, क्लियर। तो अब हमारा ये इसको सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा ए प्लस बी प्लस, यानी ए प्लस बी प्लस सी, और इधर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 3a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 2c का होल स्क्वायर माइनस ए बी, यानी माइनस ए की जगह क्या 3a और बी की जगह माइनस बी 3 × b और प्लस बी की जगह क्या माइनस बी और सी की जगह हमारा 2c और माइनस सी, सी की जगह क्या हमारा 2c और ए की जगह क्या 3a, ठीक है ना। ये हो गया, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a माइनस बी प्लस 2c और इधर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, यहाँ माइनस बी का स्क्वायर प्लस, इसको माइनस का स्क्वायर प्लस होता है बी का स्क्वायर बी स्क्वायर यानी प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर यानी 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 ab और ये माइनस और ये प्लस माइनस बी और सी बी सी और 2 यानी 2 BC हो जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस का 2 3 6 ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 10 क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, फैक्टराइज 10 है हमारा 8a³ + 8a³ + 1 25 b³ - 64 c³ + 120 ABC, ठीक है ना। अब सबसे पहले हमें क्या करना, आइडेंटिटी के फॉर्म में चेंज करना है। ये किसका क्यूब होता है, 2 का, तो ये हो जाएगा 2a का होल क्यूब प्लस ये किसका क्यूब होता है 125, ये 5 का क्यूब होता है, फिर भी करके देख लो 5 2 जा 10, 12 में से जब 10 माइनस करते हैं तो 2 बचता है, 2 और 5 25 यानी 5 5 जा 25, फिर से 5 का डिवाइड किया 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5 यानी किसका क्यूब हुआ 5 का, और b का तो क्यूब है ही तो इसे लिखेंगे 5b का होल क्यूब, क्लियर। अब देखिए 64 किसका क्यूब होता है, 64 के भी फैक्टर कर लीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा, यानी 2 का एक ग्रुप बना 1 2 का, यानी 2 2 जा 4 कितना हो गया 4, यानी ये हो गया 4c का क्यूब। लेकिन हाँ 2 2 जा 4, लेकिन ये माइनस का है ना, तो माइनस 4c का होल क्यूब हो जाएगा प्लस,
हमारी आइडेंटिटी यहाँ पर होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री है अभी, तो माइनस थ्री इंटू ये हमारा ए है और ये बी है और ये हमारा है सी, ठीक है ना। अब देखो थ्री टू जा सिक्स, सिक्स फाइव जा थर्टी और थर्टी फोर जा 120, यानी 120 और ए बी सी और ये माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, क्लियर। अब ये आइडेंटिटी बन गई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। तो क्या होता हमारा फार्मूला, फार्मूला हम इससे पहले लगा चुके, लिख दीजिए फिर एक बार, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है ना। ये तो है हमारी आइडेंटिटी। अब क्या करेंगे, अब इसके अकॉर्डिंग पुट कर दीजिए, यानी ये क्या ए प्लस बी प्लस सी, यानी टू ए प्लस फाइव बी माइनस फोर सी, यानी प्लस करेंगे तो माइनस का आएगा ना, प्लस माइनस माइनस, और इधर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी ए इंटू बी कितना है फाइव बी, माइनस बी सी, बी इंटू सी कितना है माइनस फोर सी, और माइनस माइनस फोर सी इंटू ए कितना ए, सॉरी टू ए, तो ये कितना हो जाएगा टू ए प्लस फाइव बी माइनस फोर सी, टू का स्क्वायर कितना होता है फोर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव और ये प्लस का प्लस रहेगा और बी स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस और फोर फोर जा सिक्सटीन सी स्क्वायर, देखो माइनस लगा दिया टू फाइव जा टेन ए बी और ये माइनस माइनस प्लस, फाइव सिक्स फाइव फोर जा ट्वेंटी और ये बी और ये सी, फाइव फोर जा ट्वेंटी बी सी, ये बी बना है, ठीक है ना, और माइनस माइनस प्लस और फोर टू जा एट सी ए, ये होगा आपका आंसर।